गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर बीएड 2 ईयर सेमिस्टर 1 पेपर 4 और 5 लिखा होगा, दो आपके सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं, यहाँ भी 1 और 2 सेकंड लिखा होगा, ए ऑप्शन 3 है, पहली ऑप्शन थी पंजाबी, दूसरी हिंदी, ये तीसरी पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश। 1.5 घंटे का पेपर है, 2 घंटे क्लास लगेगी, एक हफ्ते में 35 थ्योरी के मार्क्स जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सेशनल मार्क्स 15 हैं, है ना। यहाँ पर जो पेपर कैसे सेट होना है, आप पता है मेरे ख्याल में, पिछले जो देखे हैं फिर भी बता देता हूँ कि हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आने हैं, 2 क्वेश्चन में से 1 आपने करना है, किसी 4 4 ये हो गए ना यूनिट, तो किसी 4 यूनिट में से 2 क्वेश्चन आपने करने हैं, मतलब 5वां क्वेश्चन जो छोड़े हुए क्वेश्चन है उनमें से 1 करना है। सभी क्वेश्चन 7 मार्क्स के होंगे ना, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स कुछ नहीं है, अगर आपको कंटेंट पता है उसके आगे नॉलेज, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग वर्ड लगा देना, वो ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, ये आपका किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प भी करेगा। सेक्शन ए है इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तरह इन्होंने ये बनाया है, इसके लिए वेरी गुड इनको मिल रहा है, ये रहा गुड। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, तो मल्टीलिंगुअलिज्म आपको किसी ना किसी और पेपर में भी मिलेगा, सीधा क्वेश्चन बन रहा है ये, इम्पॉर्टेंस वही रहती है, थोड़ी सी जो पॉइंट्स है चेंज हो जाते हैं। रोल ऑफ इंग्लिश एज इंटरनेशनल लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, तो ये है भी, आइल्स करके बाहर क्यों जा रहे हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग, है ना, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सोशल फैक्टर, तो ये फैक्टर हिंदी में भी हैं, आपको किसी ना किसी रूप में मिलेंगे, पंजाबी में भी मिलेंगे, फिजियोलॉजिकल। अच्छा, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलते, मान लीजिए इसके आंसर नहीं मिलते या सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो आप मुझको वो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन देना शुरू करो, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास काम है कि मेरे ख्याल में कंटिन्यू सभी पर बनाए जाना, दैट इज़ व्हाई मैं मेन फोकस जिस पर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उस पर आंसर बनाओ। जो 3 फैक्टर भी हैं ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आप अपनी बॉडी को देखोगे, अपने समाज को देखोगे तो सब कुछ याद आ जाएगा। फिजियोलॉजिकल में अपने फिजिक को देखना है, सबसे पहले देखिए अपने ब्रेन को, ब्रेन डेवलपमेंट आपकी, आपके जो उच्चारण अंग है, आपकी एज है, और ये कान है, यहाँ पर सुनने की क्षमता है, ये मुंह में जीभ है, यहाँ बोलने की क्षमता है, यही पॉइंट बन जाने हैं। साइकोलॉजिकल क्या है, यही ब्रेन में जो कॉग्निशन है, थिंकिंग है, अच्छा वो आप हमेशा याद रखना, 3 आस्पेक्ट, कॉग्निटिव अफेक्टिव कोनेटिव, इससे क्या है, कॉग्निशन थिंकिंग नॉलेज अबाउट लर्निंग, है ना, अफेक्टिव आपकी इमोशनल स्टेट, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, ये पॉइंट सारे बनते हैं। कोनेटिव जो है वो इधर आ जाएगा सारा, फिजियोलॉजिकल में शारीरिक जो है, सोशल में ये याद रखना है, आपको सोशल एक्सपोजर कितना मिला है ना, फैमिली में लैंग्वेज कितनी इंग्लिश बोली जाती है, जहां आप इंटरेक्शन करते हो, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, उसमें कितना एक्सपोजर है, मीडिया एक्सपोजर कितना है, आप कल्चर इंटरवेन करता है या फैसिलिटेट करता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल सपोर्ट कितनी है। कई बार हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो आपको डिस्करेज किया जाता है, और कई बार एनकरेज किया जाता है, कई बार बेइज्जती होती है, जहां पर एनकरेज किया जाता है वहां आप सीखोगे। हम इंग्लिश क्यों सीख क्यों नहीं पाए, सिर्फ ये फियर के गलत ना हो जाए, बस बोलना शुरू कर दो। मैं पंजाबी मीडियम में पढ़ा हूँ और सच में कह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम मैंने जो एमएड में इंग्लिश मीडियम रखा था, है ना, बताऊंगा कैसे लर्न किया, पर पता नहीं ऐसे आप लर्न करोगे या नहीं, तो वो फियर के कारण मैं किसी पुराने घर में बैठ जाता था और जो वर्ड मुझे नहीं आता था वो लिखता था। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिंग्विस्टिक, ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हो गए, सिंपल क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है, इजी भी है। लिंग्विस्टिक एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ये प्रिंसिपल का, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड लैंग्वेज, तो ये सिंपल है मेरे ख्याल में, फर्स्ट यूनिट ईजी रहेगा, लेकिन जिन्होंने जनरल इंग्लिश पढ़ी है उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है। डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल लिसनिंग एंड स्पीकिंग, अब बीएड वाला पार्ट शुरू हो रहा है, फीचर ऑफ कनेक्टेड स्पीच, स्ट्रेस, रिदम, इंटोनेशन, हाँ ये टेक्निकल है, ये अगर सीखते हो तो इंटरेस्टिंग भी रहेंगे, लेकिन ये क्योंकि इसमें थोड़े से, क्योंकि पिछला का पेपर हम देख लेते हैं, पेपर थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते हैं,
डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉवल्स, मेरे ख्याल में इजी होने चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो पांच सर्कल लगे हैं, इनमें से दो क्वेश्चन आने हैं, इट मींस डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। नेक्स्ट है रीडिंग एंड राइटिंग, एक ही में नहीं डाली सभी स्किल्स, रीडिंग एंड राइटिंग है, लाउड रीडिंग छोटे बच्चे करते हैं, है ना। तो ये स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी पर है बेस्ड। जब आप बड़े हो जाते हो डीप लर्निंग करनी होती है, पंजाब यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पढ़ना है तो साइलेंट रीडिंग, अंदर चल रहा है सारा कुछ, थिंकिंग अंदर चल रही है वो वाली, है ना, आवाज़ नहीं आ रही। टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़रूरी है बहुत। ऑब्स्टेकल टू इफेक्टिव रीडिंग, ये ऑब्स्टेकल वाला एक क्वेश्चन बन रहा है, इजी होगा ये, इजी होगा। इंटेंसिव रीडिंग इजी होगा, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग में फर्क क्या है, ऐसे लिख रहे हैं ना इन, अब मैंने ऐसे नहीं लिखा क्योंकि याद रखना है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। अच्छा ये जो लाइन है इसको, ये डीप की बात करती है, इट मीन्स आई फॉर इन डेप्थ, ये याद रखना है। और एक्स का ई जो कह रहा है हॉरिजॉन्टल कर, ब्रॉड ज्यादा, इट मींस यहां पर टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट मान लीजिए आपने यहां पर इतनी टेक्स्ट जो है सिलेक्ट की है लेकिन उसको डीप में स्टडी किया है, यहां पर आपने टेक्स्ट ज्यादा सिलेक्ट कर ली है, हॉरिजॉन्टली ज्यादा हो गया ना एरिया, तो डीप नहीं इतना इतना आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, तो ये सिलेबस का पार्ट होगा जो आपको डीपली पढ़ना होता है। जो सिलेबस है वो मिनिमम होता है, ये बात हमेशा याद रखनी है, हम मिनिमम से भी मिनिमम में जाते हैं। मिनिमम मीन इतना पक्का लर्न करना है और इसके ज्यादा आप, इसके बाहर आप नॉवल, न्यूज़पेपर, मैगजीन कुछ भी इंग्लिश का पढ़ सकते हो, तो वो हो गया जो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो वो एक्सटेंसिव रीडिंग, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टीचिंग ऑफ, नहीं हाँ, टीचिंग ऑफ प्रोज, ये तो पता है आपको, पोइट्री, तो इनमें डिफरेंस भी आ सकता है। नेक्स्ट है एसेंशियल मार्क्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग, ये तो इजी होगा ना, सोना सोना लिखना, देखा क्या मैंने कितना सोना लिखा है, कंप्यूटर कितना सोना लिखता है, कंट्रोल्ड एंड फ्री कंपोजिशन। अच्छा इनमें डिफरेंस अगर करना है समझ सकते हैं कि बोर्ड पर जाना है, बोर्ड पर चले जाते हैं वो इजी रहता है, आपको थोड़ा चेंज हो जाता है, साइकोलॉजी ये डिमांड करती है ना कि चेंज करते रहो, तो चेंज कर लिया, ये वाइट कलर भी कर लिया, एक कंट्रोल्ड है, कंट्रोल आपको पता है जब भी कंट्रोल करते हैं तो हमेशा ही आर से ले लो, रूल्स ज्यादा होगा, जिस घर में रूल ज्यादा हैं वहां कंट्रोल ज्यादा है, और जिस घर में ये हो गए रूल ए ज्यादा, मोर 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 ऐसे डीप कर दिया, ज्यादा है, और जिस घर में रूल कम है ए इतने रूल है ना, ये साइज बता रहा है, तो वहां पर फ्रीडम ज्यादा होगी, है ना। तो यही फर्क है, गाइडेंस एंड रूल जिसमें ज्यादा है जिस राइटिंग में वो कंट्रोल्ड है, और जिसमें फ्रीडम ज्यादा है, गाइडेंस रूल जो बताए गए हैं स्ट्रक्चर्ड है फॉर्मल रूल हैं वो कम होंगे। एग्जाम्पल उसकी बहुत आसान है, आप कोई एप्लीकेशन लेटर लिखते हो, कोई ऐसे लिख रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो, तो वो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा, आपको स्टेप्स रूल्स फॉलो ज्यादा करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ आप अपने प्यारे को प्रेम पत्र लिख रहे हो तो यू आर फ्री, है ना, आप क्रिएटिव, कोई घर में एकदम उतरी है प्रेमिका की याद आई या प्रेमी की याद आई और कविता उतर रही है यहां पर, तो आप फ्री हो जो मर्जी लिखो, है ना, कोई रूल्स आप तोड़ सकते हो रूल, वहां वहां मैक्सिमम फ्रीडम है। ऐसे ही वैसे कंपटीशन भी जो होते हैं क्रिएटिव राइटिंग के, पोएट्री पोएम राइटिंग के, है ना, ब्लॉग्स पर आप लिखते हो, एसएमएस करते हो, तो ये राइटिंग जो है फ्री राइटिंग है, कंट्रोल्ड हमारे एजुकेशन में, हमारे एग्जाम में ये ज्यादा है। नेचुरली है कि इसमें कंट्रोल्ड में देखिए इमेजिनेशन एएम लिखा है मैंने, और क्रिएटिविटी किसमें ज्यादा होगी, जिसमें फ्रीडम ज्यादा होगी उसी में इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी ज्यादा होगी, जिसमें रूल ज्यादा होंगे, है ना, जिस घर में वहां क्रिएटिविटी नहीं होगी। थ्री इडियट्स और तारे जमीन पर इसी की बात की गई थी, तो वो जब आमिर खान साहब कहते हैं कि बनाओ, कहते टेबल पर तो कुछ नहीं है, टेबल पर कहते टेबल तो बहुत छोटा है आपकी इमेजिनेशन से कंपेयर किया जाए, ये पूरा ब्रह्मांड है, कुछ भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो ये फ्रीडम जो है क्रिएटिविटी को एनहांस करती है। टीचिंग द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, जब हम लिखते हैं तो कुछ रूल्स हैं,
जो राइटिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट को गवर्न करते हैं, उन पर डोमिनेट करते हैं। इसको याद रखना डिफिकल्ट नहीं है। आप इस टेक्स्ट को भी देखो, आप लिख रहे हो, आप स्पेलिंग का ध्यान रखोगे, आप साइज का ध्यान रखोगे, आप स्पेस का ध्यान रखोगे, आप जो पंक्चुएशन है उसका ध्यान रखोगे, आप किसी चीज को इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, स्पेसिंग देनी है, इंटरलाइन स्पेस है, इंटरवर्ड स्पेस है, ग्रामर पूरी है उसका ध्यान रखोगे, किसी वर्ड को हाईलाइट करना है, कैपिटल करना है, कोटेशन देनी है, कोई डेफिनेशन देनी है, वॉइस है, सेंटेंस है, ग्रामर है, उसका आप ध्यान रखते हो। यही सारे पॉइंट है, तो इनको हर बार क्रैम करने की जरूरत नहीं है, यहीं से राइटिंग को देखो, सब कुछ याद आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्शन वर्क, ये तो टीचर ने करेक्ट करना होता है तो इम्प्रूव करना है, सिंपल बातें होगी। सेक्शन डी है टीचिंग ऑफ ग्रामर, प्लेस ऑफ ग्रामर, प्लेस इंपॉर्टेंस ही बन जाती है ग्रामर की, इजी है। टाइप्स मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, है ना, ये इजी है। टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी, अच्छा दिस इज द सेकंड पॉइंट, जिसके जो वोकैबुलरी इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप टीईटी क्या कोई भी दुनिया का एग्जाम देना है तो मैं 10-20%, ये मेरा मानना है, 10-20% आपकी वोकैबुलरी अगर रिच है ना, तो प्रेपरेशन कम है तो आप मार्क्स ले लोगे। एक्सप्रेशन ऑफ वोकैबुलरी सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ वोकैबुलरी, ये इजी होगा, तो मेरे ख्याल में लंबा होगा। सेशनल वर्क है आपका, परफॉर्मेंस इन यूनिट टेस्ट एंड हाउस टेस्ट 5 मार्क्स है, अटेंडेंस 2 मार्क्स है, असाइनमेंट ऑन फॉलोइंग 8 मार्क्स है, प्रिपेयर चार्ट ऑन फोनेटिक सिंबल अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन ऑफ एनी 2 एक्टिविटीज इन द क्लासरूम फ्रॉम द फॉलोइंग, डेक्लेमेशन, एक्सटेम्पोरे, रोल प्लेइंग एंड ड्रामाटाइजेशन। आपको बुक्स बताई गई हैं, जो अभी तो नहीं, मैं थोड़ा कंसल्ट करके आपको बता दूंगा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में शायद कमी है इसकी, मेरे ख्याल में आ गई होगी एसजी पब्लिशर की भी बुक, मैं बता देता हूँ। पिछले साल का पेपर जरूर देख लेना चाहिए, इजी हो जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे ख्याल ये बताने की जरूरत नहीं है, जो पहले डिस्कस करके आया हूँ वही सब कुछ है। 1.5 घंटे का पेपर है, 35 का है, ऑप्शन थर्ड है, 2 क्वेश्चन पहले पहले करने हैं, 1 यूनिट में से दोनों के दोनों करने हैं, वो कोई चूज कर लेना है। पहला सेक्शन है, इसमें से एक आप चूज कर सकते हो, इसको बड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। डिस्कस द साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग, मेरी पंजाबी की बुक में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, मैं अगर इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम हुई तो प्रोवाइड कर दूंगा इंग्लिश में भी। व्हाट आर द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश, सिंपल है। व्हाट आर द फीचर ऑफ कनेक्टेड स्पीच, डिस्कस, है ना, सिंपल है। डिस्क्राइब वॉवल्स, मेरे ख्याल में पता नहीं आपको, डिपेंड करता है इलेक्टिव इंग्लिश है कि दूसरी इंग्लिश है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, एकदम आई की इसको याद रख के इन डेप्थ रीडिंग, है ना, बाकी सब कुछ जो किया था वो याद आ जाएगा। तो एक्सप्लेन एसेंशियल मार्क्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग, तो ये इजी है मेरे ख्याल में, है ना, इसी के सारे फीचर बता दो। डिस्कस द प्लेस ऑफ ग्रामर एंड इट्स टाइप, ठीक है। हाउ द सिलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी कैन बी डन, डिस्कस। आपको 1 यूनिट में से 4 करने हैं, 2 करने हैं, बाकी में से 1-1 करना है, 7 मार्क्स है, 35 है, और कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। ओ थैंक यू।